कोरोना काल में खुशी मनाने के तरीके भी बदल गए हैं। अब लोगों को खुद की खुशियों में उन लोगों की भी याद आती है जिनके घरों में खाने के लिए भोजन नहीं है। जी हाँ, गौ सेवक और गौ संवर्धन संस्थान के प्रवीण स्वामी ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन भी कुछ ऐसा ही किया। वैसे तो संस्थान लगातार न केवल झुंझुनू शहर बल्कि खेतड़ी, सिंघाना, कोपड़ व बग्गड़ आदि इलाकों में राशन किट बांट रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर लोगों को संदेश देने तथा अन्य लोग भी इस दिशा में कदम उठाएं, इसलिए 250 परिवारों को राशन किट पहुंचाने का फैसला लिया। प्रवीण स्वामी ने बताया कि ये 250 राशन किट उन परिवारों को दी जाएगी जो मध्यम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वे किसी से भी कुछ सहयोग लेने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें चुपचाप उनके घर जाकर यह सहयोग दिया जाएगा। गौ संवर्धन संस्थान ने एक अभियान चलाया है। झुंझुनू जनपद में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसी अभियान के तहत हमने जगह जगह पर खेतड़ी, सिंघाना, कोपर, बगड़ आदि जगहों पर राशन किट वितरण किए हैं। उसी अभियान के तहत आज मेरी बेटी का प्रथम अवतरण दिवस है। उसके अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने 250 व्यक्तियों को राशन सामग्री किट बांट रहे हैं। यह किट हम मध्यम वर्गीय लोगों के घर पे पहुंचाएंगे, जो लोग मांगने में शर्माते हैं। इसमें लेने वाले का किसी का नाम नहीं है, यह कार्य पहचान छुपा कर की जा रही है। गौ संवर्धन संस्थान के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है।